चांदपुर में श्रम विभाग राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला ने भाजपा के कार्य योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाजपा सरकार चुनावी समय में जनता के वादों को पूरा कर रही है। नूरपुर में आयोजित ब्राह्मण सभा कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे श्रम राज्य मंत्री का चांदपुर में सुबोध गुप्ता के निवास पर कार्यकर्ताओं ने फूलमालाएं पहनाकर भव्य स्वागत किया। राज्य मंत्री ने कहा कि ये भाजपा सरकार के एजेंडे के अनुसार सरकार ने श्रमिक परिवार को 1 लाख रुपए देकर अपना एजेंडा पूरा किया। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जा रहे हैं, विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए, मुद्दों को उठाना चाहिए। विपक्ष द्वारा मुद्दा उठाने से आम जनता को लाभ होता है। इस मौके पर अनिल पांडे, अनिल गुप्ता, मोहित अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। चांदपुर से गौरव त्यागी की रिपोर्ट। आज जो आना हुआ आपका क्या कार्यक्रम है? आज बिजनौर में नूरपुर में एक कार्यक्रम है जी, ब्राह्मण सम्मेलन मेरा जाना हो रहा है और अपने अनिल पांडे जी राज्य परशुराम परिषद के द्वारा इन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया है तो उसमें सहभागिता करूंगा। जिस तरह से सरकार द्वारा सभी योजनाएं आपकी चल रही हैं, जिस तरह से महिलाओं को लेकर भी आज उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कहा, क्या कहना चाहेंगे इसमें? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार निष्पक्ष भाव से काम कर रही है जी, और भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे, एजेंडे था देश के लिए, उस पर हम लोग उनको क्रियान्वयन में लगे हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो मिशन था, उनका जो सपना था अंत्योदय, यानी के जो अभाव से ग्रसित था और वो उस लाभार्थ के लिए लाइन में अंतिम पंक्ति में खड़ा था, उस परिवार के लिए कल्याणकारी योजनाएं उसके घर तक सुचारू रूप से नियमित पहुंचे, ये हमारी सरकार का एजेंडा है। जैसे हमारी सरकार ने श्रमिक परिवारों के लिए 1 लाख रुपए कन्यादान योजना के माध्यम से उस श्रमिक परिवार को कन्यादान देकर के उसके परिवार में हंसी लाने का काम किया। ऐसे ही ऐसे बहुत सारे जो बेरोजगार युवा हैं उनके लिए जो हमने ऋण की व्यवस्था की है, जो बिगर ब्याज के ऋण दिया जाएगा, तो वो 1 करोड़ रुपए तक उसे देकर के वो अपना रोजगार कर सकता है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख फायदे हैं जिसमें हमने कानून व्यवस्था को ठीक किया है और गांव-गांव तक हमने बिजली की आपूर्ति की है। जिस तरह से लगातार विपक्ष मुद्दे उठाता रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, विपक्ष को जो भूमिका है वो अपनी भूमिका में है और उसे अपनी भूमिका निभाना चाहिए और मुद्दे उठाना चाहिए। विपक्ष की भूमिका निभाने से जो आम जनता है उसको भी लाभ होता है। तो विपक्ष को मैं कहना चाहूंगा और उनको सलाह भी देता हूं कि वो मुद्दों को पटल पर लाने का काम करें। सरकार की जिम्मेदारी उसका निस्तारण करने का है, हम निस्तारण करें।